वेलकम बैक टू एरियल न्यूज चैनल। दोस्तों आज तारीख है 5 जनवरी और दिन मंगलवार हो गया। आज हम जानेंगे देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। तो हमसे गुजारिश है कि वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। दोस्तों जैसे कि सरकार ने कुछ बहुत से महत्वपूर्ण फैसले लिए, इसके बारे में जानेंगे। कोरोना वायरस से रिलेटेड बीमारी तो चल ही रही है, देश में एक और बड़ी बीमारी आ गई है जो कहाँ कहाँ फैल चुकी है उसके बारे में हम जानेंगे। मकर संक्रांति त्यौहार जो आ रहा है उसके बारे में भी जानेंगे, सरकार के इसके बारे में क्या अनुमति रहेगी, क्या कुछ नियम रहेंगे उसके बारे में भी कुछ जानेंगे। साथ ही कुछ ऑफर्स वगैरह भी हैं और किसान आंदोलन के लेकर भी कुछ जो खबर आई है सरकार की तरफ से, जो फैसला है उनके बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियोज़ के अंदर। रिलायंस जियो की तरफ से बड़ी खबर है और मोदी सरकार की तरफ से क्या फैसला है उसको आम आदमी के लिए भी बहुत जानना जरूरी है। आज की खबरें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो ध्यान से इस वीडियोज़ को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वो ले चलता हूँ आपको पहली खबर की तरफ। दोस्तों रेलवे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही। खबर ये है कि भारतीय रेलवे ने बनाई दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस। देखें तस्वीर, मैं आपको तस्वीर भी बता रहे इस वीडियो के अंदर। ये तस्वीर आप देख पा रहे हो जो कि ट्रेन के अंदर की है। इस ट्रेन के अंदर सर्जरी से लेकर के और हॉस्पिटल की सारी सुविधाएँ इसके अंदर मिल जाती हैं। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खबर है। तो इसके बाद में जानते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब व्हाट्सएप पर निपटाएंगे अपने बैंकिंग के सभी काम काज। ये दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हो तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब आपको सारी जो है बैंक से जुड़ी जानकारी है वो व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगी और आप व्हाट्सएप से सारे काम काज जैसे कर सकते हो। ये दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है। बैंक अब दोस्तों वो नंबर जिससे कि आप घर बैठे सारा काम कर सकते हो वो व्हाट्सएप नंबर ये है 8433888777। ये दोस्तों ये नंबर है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये नंबर है जिससे कि आप सारी सुविधाएं घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। तो बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़े ग्राहकों के लिए। इसी के साथ जानते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। दोस्तों ये खबर किसानों के लिए बहुत ही अच्छी है कि योगी सरकार नए साल में शुरू करेगा ये 15 सिंचाई योजनाएं, 2 करोड़ से ज़्यादा किसानों को होगा फायदा। जाने सब कुछ दोस्तों सब कुछ बताएंगे इस वीडियो के अंदर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों की किस्मत चमकाने का काम करना शुरू कर दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार किसानों को तकनीक के जरिए कृषि को आसान करने के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार ने नए साल में 15 सिंचाई परियोजना शुरू करने जा रही है। ये सिंचाई परियोजना आने वाले समय में यूपी किसानों को राहत देंगी। जी दोस्तों इससे बहुत ज़्यादा किसानों को फायदा होगा। योगी सरकार नए साल में 15 सिंचाई परियोजना शुरू करने जा रही है। सिंचाई परियोजना आने वाले समय में यूपी के किसानों को राहत देंगी। राज्य सरकार प्रदेश के 2.30 करोड़ से ज़्यादा किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की तेजी कर रही है। दोस्तों किसानों के लिए बहुत बड़ी खबर है और इससे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इसके साथ ही जानते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। गर्व का पल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज फहराएगा भारत का तिरंगा। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खबर है हमारे लिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सोमवार को भारतीय झंडा लगाया जाएगा। देश संयुक्त राष्ट्र के इस शक्तिशाली निकाय के 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य के तौर पर अपना कार्यकाल शुरू कर रहा है। 5 नए अस्थायी सदस्य देशों के झंडे 4 जनवरी को एक विशेष समारोह के दौरान लगाए जाएंगे। 2021 में 4 जनवरी आधिकारिक रूप से पहला कार्य दिवस होगा। दोस्तों बहुत बड़ी खबर है हम भारतवासियों के लिए, इससे हमारा सीना भी छोड़ा। अगर आपको भी खबर अच्छी लगी और आप एक सच्चे भारतीय तो इस खबर पर एक लाइक तो जरूर बनता है। तो दोस्तों इसी के साथ ही जानते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। दोस्तों गेमर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। गेमर्स यानी जो गेम खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, उनका इंतजार खत्म। भारत में 26 जनवरी को लॉन्च होगा मेड इन इंडिया गेम। फौजी आखिर लॉन्च होने के लिए तैयार है। दोस्तों बहुत ही खुशी की खबर है उन गेम लवर्स के लिए जो कि बहुत दिन से गेम का इंतजार कर रहे हैं। पबजी बैन होने पर जो कि बहुत ज़्यादा टूट चुके उनका टाइम पास नहीं हो पा रहा, उसके लिए सरकार ने ये फौजी गेम लेकर के आई जिससे कि वो बहुत अच्छा कुछ सीख भी सकते हैं। चलिए तो इसी के साथ ही जानते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। कोरोना महामारी से 77% युवकों ने खुद ही अपनी आय, सर्वेक्षण में सामने आए आंकड़े जो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही डरा देने वाले आंकड़े हैं। 77% युवा बीमारी के चलते बेरोजगार हो गए हैं। चलिए तो इसी के साथ जानते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। कोरोना के बाद नया खतरा, हिमाचल एमपी और केरल में बर्ड फ्लू, राजस्थान और गुजरात में पक्षियों की मौत के बाद अलर्ट। तो ये है आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी खबरें पाने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू सो मच।